हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजीव इन्फोटेक। ये मेरा सेकंड वीडियो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि असिस्टेंट के पोस्ट में ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज से टोटल 30 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, और मैं इनको याद करने का एक टिप आपको बता देता हूँ कि आप इस वीडियो को बार बार देखें और उसको याद कर लें। उसके बाद याद किए हुए क्वेश्चंस को आप लिखें, तभी आपको ये क्वेश्चंस बहुत टाइम तक याद रहेगा और आपके एग्ज़ाम्स में यही याद आपका काम में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, द यूएन फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द जनरल असेंबली ऑन। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है अक्टूबर 20, 1947, ऑप्शन बी है जनवरी 1, 1952, ऑप्शन सी है जून 24, 1973, ऑप्शन डी है अगस्त 15, 1982। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, जो कि है अक्टूबर 20, 1947। अक्टूबर 20, 1947 के दिन जनरल असेंबली में इसको अडॉप्ट किया गया था, लेकिन यूनाइटेड नेशन में ये फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था दिसंबर 7, 1946। यानी कि दोनों ही डेट आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, आपको दोनों ही डेट याद रखना है। आपको इस फ्लैग के बारे में कुछ बता दूँ, अ वाइट यूएन एम्ब्लेम वर्ल्ड मैप सराउंडेड बाय टू ओलिव ब्रांचेस ऑन ब्लू बैकग्राउंड डिज़ाइंड बाय डोनाल्ड मैकलॉगलिन ओनली एम्ब्लेम। सेकेंड क्वेश्चन, जहांगीर खान इज फेमस इन व्हिच स्पोर्ट्स। ऑप्शन ए बॉक्सिंग, ऑप्शन बी स्क्वैश, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी क्रिकेट। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, यानी कि स्क्वैश। आइए जहांगीर खान के बारे में कुछ जान लेते हैं। जहांगीर खान, समटाइम्स कॉल्ड जहांगीर खान, इज ए फॉर्मर वर्ल्ड नंबर वन प्रोफेशनल स्क्वैश प्लेयर फ्रॉम पाकिस्तान, हु इज़ कंसीडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ स्क्वैश। जहांगीर खान वॉज बॉर्न इन टू ए पश्तून फैमिली ओरिजिनली फ्रॉम निवाई किली पयान पेशावर। ड्यूरिंग हिज कैरियर ही ओन द वर्ल्ड ओपन 6 times एंड ब्रिटिश ओपन अ रिकॉर्ड 10 times। फ्रॉम 1981 to 1986, he was unbeaten in competitive play. During that time, he won 555 matches consecutively, the longest winning streak by an athlete in top-level professional sports as recorded by Guinness World Records. He retired as a player in 1993 and has served as president of World Squash Federation from 2002 to 2008. When he became emeritus president. Third question है, the system of judicial review originated in option A India, option B Germany, option C Russia, option D USA. इस question का सही option है D USA. कुछ additional information जान लेते हैं। In American legal language, judicial review refers primarily to the adjudication of constitutionality of statutes, especially by the Supreme Court of the United States. This is commonly held to have been established in the case of Marbury versus Madison, which was argued before the Supreme Court in 1803. Fourth question hai, in the third battle of Panipat, the Marathas were defeated by ऑप्शन ए द अफगान्स, ऑप्शन बी द मुगल्स, ऑप्शन सी द इंग्लिश, ऑप्शन डी द फ्रेंच। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, यानी कि द अफगान्स। पानीपत में टोटल 3 battles लड़ी गई थी। आइए कुछ जान लेते हैं उसके बारे में। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1526 में लड़ी गई थी, फॉट बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोधी। एंड द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1556 में लड़ी गई थी, अकबर ने यहाँ पे हेमू को डिफीट किया था।
और इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761 एट विच द इन्वेडिंग अफगानी फोर्सेज ऑफ अहमद शाह अब्दाली डिफिटेड द आर्मी ऑफ मराठा एम्पायर अंडर सदाशिव राव भाऊ। फिफ्थ क्वेश्चन है, वेयर इज द बांदीपुर नेशनल पार्क? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी आसाम। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है सी, दैट इज कर्नाटका। आइए इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। बांदीपुर नेशनल पार्क एस्टेब्लिश्ड इन 1974 एस ए टाइगर रिजर्व अंडर प्रोजेक्ट टाइगर इज ए नेशनल पार्क लोकेटेड इन द साउथ इंडियन स्टेट ऑफ कर्नाटका विच इज द स्टेट विद द हाइस्ट टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया। इट इज़ वन ऑफ द प्रीमियर टाइगर रिजर्व्स इन द कंट्री अलॉन्ग विद द एडजॉइनिंग नागरहोल नेशनल पार्क। इट वॉज वंस अ प्राइवेट हंटिंग रिजर्व फॉर महाराजा ऑफ द किंगडम ऑफ मैसूर बट हैज़ नाउ बीन अपग्रेडेड टू बांदीपुर टाइगर रिजर्व। बांदीपुर इज नोन फॉर इट्स वाइल्ड लाइफ एंड हैज़ मेनी टाइप्स ऑफ बायोम्स बट ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट इज डोमिनेंट। द महाराजा ऑफ द किंगडम ऑफ मैसूर क्रिएटेड अ सेंचुरी ऑफ 90 स्क्वायर किलोमीटर दैट इज 35 स्क्वायर माइल इन 1931 एंड नेम्ड इट द वेणु गोपाला वाइल्ड लाइफ पार्क। द बांदीपुर टाइगर रिजर्व वर एस्टेब्लिश अंडर प्रोजेक्ट टाइगर इन 1973 बाय द एडिंग नियरली 800 स्क्वायर किलोमीटर दैट इज 310 स्क्वायर माइल्स टू द वेणु गोपाल वाइल्ड लाइफ पार्क। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और वीडियो बना सकूं जिससे आपको भरपूर मदद मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।